चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी ने यूपी पुलिस पर एक बड़ा हमला बोला है। पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने पुलिस पर निर्दोष लोगों को फंसाने की साजिश का आरोप लगाया है। कल शिवपाल के सचिव अंकुश को पुलिस ने हिरासत में लिया था। लखनऊ के वीआईपी इलाके गौतम पल्ली से अंकुश को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद शिवपाल खुद थाने पहुंचे थे, बाद में अंकुश को छोड़ दिया गया। अब शिवपाल इसे बड़ी साजिश बता रहे हैं। यूपी पुलिस पर शिवपाल भड़के हैं। यूपी पुलिस पूरे प्रदेश में अत्याचार कर रही है, यह कहना है उनका। मेरे सचिव की गाड़ी में हथियार रखकर उसे फंसाने की कोशिश की गई। लखनऊ में ऐसी घटना शर्म की बात है, यह कहा है। निर्दोषों को किसी शय पर फंसाया जा रहा है, यह शिवपाल का बयान, शिवपाल सिंह यादव का, ये आपको बता रहे हैं। शिवपाल जी, आप थाने तक पहुंच गए, ये मुलायम सिंह यादव की परंपरा रही है, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों का साथ देने के लिए। ये समाजवादी पार्टी की ताकत और मुलायम सिंह यादव की शैली रही है जिसका आप निर्वहन कर रहे हैं। ऐसा केवल और केवल भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप ही लोगों के यहाँ देखने को मिलता है। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस इसी तरीके से जैसे कल अंकुश शर्मा की गाड़ी में असला रख करके झूठे केस में फंसाना चाहती है, इसी तरीके से जाने कितने निर्दोष लोगों को पुलिस जेल में, और कहाँ, जहाँ गौतम पल्ली में पूरा पुलिस से लेकर बड़े बड़े अधिकारी से लेकर के यहाँ मौजूद हों, और इस तरीके से निर्दोष लोगों अगर जेलों में भेजा जाए तो अब तो जांच का विषय है, अब तो जांच कराएं। अच्छा शिवपाल जी, गौतम पल्ली एकदम जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, जहां नेता विपक्ष रहते हैं, आपका घर है, सारा एकदम हेडक्वार्टर है, वहां पर ऐसी घटना? वही तो बता रहे, ऐसी घटना, निर्दोष लोगों को जेल भरना, पुलिस से जांच करे और दोषी लोगों को जेल भेजे। आपकी मांग क्या है? कार्रवाई करे। शिवपाल यादव, अंकुश शर्मा उनके साथ बैठे हुए हैं जो उनके निजी सचिव हैं, और पुलिस इन्हें ही कल उठा कर ले गई थी। आज शिवपाल यादव के साथ पार्टी के उनके प्रसपा के पूर्व कार्यालय में बैठकर साथ जा रहे हैं गाड़ी के से, और अंकुश शर्मा को ही बचाने कल रात शिवपाल यादव थाने तक पहुंचे थे और पुलिस से अपनी बातों को कहकर अंकुश को सीधे घर लेकर गए थे। आज पार्टी दफ्तर में अंकुश के साथ घर जा रहे हैं और साथ ही लेकर जा रहे हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।